कॉलेज में उसमें हम सारे बेसिक प्रोसीजर्स नहीं सीख पाते हैं ये तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ चार तभी मिटेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे पेशेंट्स के ऊपर क्या ये रियली really बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए या फिर इसमें बहुत कुछ हिडन फैक्ट्स हैं कोर्सेज बिल्कुल सही है आप बिल्कुल करिए अगर आप वहाँ पे कंटिन्यूस एक साल दो साल से ज्यादा रहे तभी वहाँ के पेशेंट्स के मन में आपके ऊपर ट्रस्ट आता है वो आपको अलाउ करते हैं कि काम करें गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज डेंटल व्लॉग्स आज का वीडियो का टॉपिक ये होगा कि क्या हमें डेंटल कोर्स खत्म करने के बाद बी खत्म करने के बाद बाहर जाके और कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने चाहिए कि नहीं लाइक जनरल डेंटिस्ट्री कोर्स आर कोर्स इम्प्लांट कोर्स आजकल मार्केट में जहां पे भी देखो लोग कुछ ना कुछ कोर्स करवा रहे हैं कोई इम्प्लांट का कोर्स करवा रहा है कोई गाइडेड बोन रिजेनरेशन का कोर्स करा रहा है कोई ग्राफ्टिंग का कोर्स करा रहा है क्या ये रियली really बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए या फिर इसमें बहुत कुछ हिडन फैक्ट्स हैं क्या क्या हम किस चीज को कंसिडर करें किस किस मेंटर्स को चूज करें आज इन्हीं पे बात करेंगे तो सबसे पहला हम करते हैं हमारे कॉलेज में उसमें हम सारे बेसिक प्रोसीजर्स नहीं सीख पाते हैं ये तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ क्योंकि पेशेंट्स हर प्राइवेट कॉलेज में कम होते हैं और सारे पेशेंट्स डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं हो पाते हैं सारे केसेस पीजी स्टूडेंट्स को चले जाते हैं और उसमें जो बीडीएस के यूजी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ज्यादा केस नहीं मिलते हैं तो एक क्या होता है ना कि पहले से ही एक थोड़ा सा क्या होता है कि डर लगा रहता है कि हम जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो हम डरते हैं थोड़ा सा पेशेंट करने में क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर होता है हम जब अपना खुद का क्लिनिक करते हैं तो हम पहला पहला जब पेशेंट आता था सब लोग डरते हैं हम कुछ करेंगे तो गलती नहीं हो जाए या फिर काम अच्छा हो ये हम सोचते हैं मन में काफी लोगों को मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं काफी डर है उनका पूरा बैठ जाता है वो थर्ड ईयर फाइनल ईयर से वो डर लगा ही रहता है डर तभी मिटेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे पेशेंट्स के ऊपर जितना चैलेंजिंग केस होगा अगर फॉर्म टूथ है तो फॉर्म टूथ को निकालिए जो केस आपको कॉलेज में आप जितना ज्यादा सीख सकते हैं उतना सीखिए है। पहला मेरा एडवाइस तो ये हुआ कि जितना ज्यादा कॉलेज में आप काम कर सकते हैं जितना मैक्सिमम आप ले सकते हैं जिस कॉलेज में आप बीडीएस कर रहे हैं उस कॉलेज से फायदा उठाइए लेकिन हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इस कॉलेज में अब सब कुछ सीख के पूरा एक्सपर्ट होके अगले दिन ही क्लिनिक खोल लेंगे कभी कभी क्या होता है जब हम अपना क्लिनिक खोलते हैं उसके पहले हमको किसी क्लिनिक के अंदर वर्क करना होता है लेकिन आजकल क्या हो गया मैं आपको बताता हूं हर एक क्लिनिक बहुत ज्यादा क्लिनिक हो गए हैं और हर एक क्लिनिक में पेशेंट पहले से कम हो गए हैं सपोज आप किसी क्लिनिक में काम करते हैं तो वहां के जो डेंटिस्ट के पास जो पेशेंट आते हैं अगर आप वहां पे कंटिन्यूस एक साल दो साल से ज्यादा रहे तभी वहां के पेशेंट्स के मन में आपके ऊपर ट्रस्ट आता है वो आपको अलाउ करते हैं कि काम करें। जैसे मैंने अपने पेशेंट को किसी सब को बोला कि ये पेशेंट का रूट कैनाल स्टार्ट कर दे तो पेशेंट कभी कभी क्या बोलते हैं नहीं सर आप भी करिए तो पेशेंट को भी डर रहता है कि कहीं ये न्यू भी है से कर पाएगा कि नहीं तो इन लोग में मन में पेशेंट के मन में डर रहता है कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होता है जो फ्रेश पास आउट उनको काफी ज्यादा हैम्पर होता है कि वो लोग ठीक से काम नहीं सीख पाते हैं तो इसलिए काफी लोग मेंटरशिप कोर्सेज करवाते हैं रूट रूटकेनाल कोर्स अगर आप कनाल कोर्स या फिर जनरल इंडस्ट्री कोर्स या फिर कोई भी इम्प्लांट कोर्स कर भी रहे हैं उसके पहले खुद ब खुद कुछ ना कुछ केसेस करिए जैसे अगर आप रूट कैनाल कोर्स का कर रहे हैं तो एटलीस्ट बीस से पच्चीस रूट कैनाल पहले खुद से पेशेंट्स के ऊपर करिए उसके बाद जाके कोर्सेज करिए क्योंकि डायरेक्टली आप कोर्सेज में जाएंगे तो आपको क्या क्या डिफिकल्टी हो रही है वो पता नहीं चलेगी और जब आप करके जाएंगे कोई काम तो आपको पता लगेगा अच्छा ये गलती मैं कर रहा हूँ तो इसको ऐसे रेक्टिफाई करना है तब जाके कोर्स बेनिफिशियल होता है सपोज आप न्यू इम्प्लांट सीखना चाहते हैं तो इम्प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए पेशेंट्स भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो राजी हो जाए पेशेंट्स पेशेंट तो डरते हैं इम्प्लांट वो सोचते हैं कि एक स्क्रू लगेगा टीथ के अंदर उतना आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए सर्जरी में तभी जाके आपने उसके पहले ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाके रूट कैनाल एक्सट्रैक्शन आपका आता नहीं आप डायरेक्टली इम्प्लांट सीख गए पहले बेसिक डेंटल प्रोसीजर्स लाइक एक्सट्रैक्शन रूट कैनाल ट्रीटमेंट केलिंग बाय स्टेप जाइए ऐसा नहीं कि आप एक बार में ही जंप करने लग जाए हाईफाई चीजों में और छोटे मोटे जो काम जो डेली ब्रेड एंड बटर वाले काम वो आप नहीं कर पाए तो कोर्सेस करना इम्पोर्टेंट है आप कर सकते हैं उसमें आपको थोड़ा पैसा खर्चा करना होता है कोर्स का ये एक है मेंटरशिप कैसे चूज करें मेंटरशिप चूज करने पहले उनके बारे में जो भी कोर्स करवा रहे हैं उनके बारे में डिटेल्स लीजिए कि आप ऑन आपको मिल रहा है कि नहीं ऑन मतलब कि आपको पेशेंट वर्क मिल रहा है कि नहीं उसी कोर्स को चूज करिए जिसमें आपको पेशेंट वर्क करने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है तो आजकल हर सब्जेक्ट में जैसे रूट कैनल अगर आपको सीखना है तो रूट कैनल के कोर्स आ गए रूट कैनल का एडवांस कोर्स करना है उसके भी कोर्सेज आ गए हैं अगर आपको इम्प्लांट सीखना है तो बेसिक इम्प्लांटोलॉजी कोर्स इम्प्लांट कोर्स कोर्सोमेटिक इम्प्लांट कोर्स और बहुत सारे इम्प्लांट्स के कोर्स ऐसे आ गए हैं तो मेंटरशिप में आप ये देखेंगे कि आपको केसेस क्लिनिकली कितना मिल रहा है आप पैसे ज्यादा मत देखें क्योंकि जो पैसा आप खर्चा करेंगे वो आपको रिकवर हो जाएगा इस तरीके से आप कोर्सेज चूज करिए जिसमें आपको पेशेंट्स करने को मिले काफी ज्यादा इंडिया में इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं जो कि पेशेंट्स आपसे पैसा लेते हैं और आपके पेशेंट्स देते हैं रूट कैनाल वगैरह करने के लिए जिसमें पेशेंट्स को चार्ज कम चार्ज लिया जाता है और उसमें रूट परफॉर्म किया जाता समबडीज गाइडेंस तो उस टाइप का को कोर्स चूज करिए जो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो ऐसा नहीं कि फाइव डे कोर्स थ्री डे कोर्स तो आप उसमें कुछ भी अच्छे से प्रॉपरली नहीं सीख पाएंगे तो वही कोर्स में इनॉल्व करिए जो एटलीस्ट एक महीने से डेढ़ महीने या ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज का हो तभी उसमें आप कुछ सीख पाएंगे और आपको थोड़ा हैंडज ऑन मिलेगा पेशेंट के माउथ के ऊपर काफी कोर्सेज वो भी अच्छे होते हैं जो कैडावर्स पे कराते हैं गाइडेड बोन जनरेशन कैसे फ्लैप निकालना है जैसे के ऊपर भी कराते हैं डिफरेंट इम्प्लांट कंपनी जैसे डेंशियम हो गया ये सब कोर्सेज करवाते हैं कैडावर्स के ऊपर तो उन सब कोर्सेज को फाइंड आउट करिए और उन सब कोर्सेज करिए इन एंड जो भी आपके शहर में सीडी प्रोग्राम्स लेक्चर्स वगैरह हो रहे हैं इम्प्लांट्स के ऊपर आरसीडीज के ऊपर सारे के सारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी आप अटेंड कर सकते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा इस टाइप के कोर्सेज होते हैं और कॉन्फ्रेंसिस होते हैं कॉन्फ्रेंस भी काफी बेनिफिशियल होते हैं लेकिन सारे कॉन्फ्रेंस नहीं यूजली जो कि आई एस है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इंप्लॉडोलॉजिस्ट वो कॉन्फ्रेंस uh, अच्छी होती है ऐसे जो हर स्टेट में जो छोटा मोटा जो ट्रेड uh, फेयर वाले कॉन्फ्रेंस होते हैं वो उतना खास नहीं होता है ट्रेड फेयर आप जा सकते हैं टू बाई थिंग्स बट उसमें मेनली आप देखिए कौन सा कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज लेक्चर्स कौन कौन से उसका ब्रोशर आ जाता है तो क्या क्या लेक्चर्स आ रहे हैं तो वो सब आप रिसर्च करके जाइए तभी जाके पैसा खर्च करने का कुछ आपको मीनिंग लगेगा कोर्सेज बिल्कुल सही है आप बिल्कुल करिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं है अगर किसी ने कहीं से कोर्स किया है उसका रिव्यू लीजिए बहुत कुछ एंडलेस नंबर ऑफ थिंग्स है सीखने के लिए डेंटिस्ट्री में मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी तक मैंने जो काफी चीजें सीखनी है अभी मुझे तक मुझे लगता है मुझे अभी तक थर्टी फोर्टी परसेंट ही आया है और भी मुझे सिक्सटी परसेंट से ज्यादा काम सीखना है थोड़ा टाइम निकालिए अपने ग्रोथ के लिए अपनी मेंटल ग्रोथ और आपके हैंड स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको हैंड्स ऑन कोर्स ये सब करना ही पड़ेगा तो आज का वीडियो इतना ही आई होप यू लाइक इट टिल देन टेक केयर बाय